डियर बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो आज फिर हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कशन करते हैं और देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ। तो सेल ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक डायग्राम में बनाता हूँ। ये लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन था कि ये अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मैंने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोला था। क्यों बोला था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? क्योंकि अभी ये सेल हो गया और ये सेल प्लस माइनस सेल हो गया, सेल का अपना ईएमएफ ई हो गया और टर्म उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया। अब हमें मालूम है कि जो सेल का रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। और अगर मैं ये दो पॉइंट ए और बी ले लूँ तो आपको पता था कि अगर क्लोज सर्किट का बात होगा तो करंट का फ्लो करेगा और करंट का फ्लो जो है वो ए से बी में करेगा, फिर बी से ए करेगा। दैट मीन्स सेल प्लस माइनस सेल जो टर्मिनल है इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ ओपन सर्किट में भी होता है और अगर ये सर्किट क्लोज है, करंट का फ्लो कर रहा है, डैट मीन्स अगर मैंने स्विच नहीं भी लगाया कहीं और दिखा रहा करंट का डायरेक्शन, डैट मीन्स करंट का फ्लो हो रहा है। आ रही बात समझ में? आप स्विच दिखा सकते हो तो करंट का फ्लो हो रहा, ये क्लोज सर्किट है तो क्लोज सर्किट में भी ईएमएफ है। अब मैं बताता हूँ क्लोज सर्किट का जो ईएमएफ होता है ना, क्लोज सर्किट का ईएमएफ वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है। मतलब कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ अ सेल, सेल का ईएमएफ से ऑलवेज कम होता है, ठीक है। देखो तो टर्मिनल पोटेंशियल लास्ट लेक्चर में जो बात हुआ था यहाँ से कि करंट का वैल्यू अगर हम निकालते हैं आई, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ये डिराइव हमने किया था। थोड़ा समझ लो, ई इज इक्वल टू हमने किया था आर प्लस आर। अब आर प्लस आर को भी कर ले, ये आई इसके साथ चला जाए तो आर हो गया, तो भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो डैट मीन्स यहाँ हो गया, अगर मैं इसको बोलूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसका इक्वल हो गया? तो वो हो गया ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। आई क्या है? आई करंट का वैल्यू है। आर क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। डैट मीन्स ये रेजिस्टेंस और करंट ये पोटेंशियल ही तो है, तो ये जो पोटेंशियल है वो क्या है, किसके बीच का पोटेंशियल है? तो सेल के बीच का पोटेंशियल है। डैट मीन्स ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। देखो समटाइम वी कॉल पोटेंशियल ड्रॉप, अब ड्रॉप का मतलब आप समझ गए होंगे, समटाइम वी कॉल इट पोटेंशियल ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स किसी पार्टिकुलर पॉइंट का, पार्टिकुलर प्लेस का जो पोटेंशियल होता है किसी दो पॉइंट का, हम लोग उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी सेल। तो एक बात तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसका इक्वल है? ईएमएफ में कुछ माइनस हो रहा। ईएमएफ में कौन माइनस हो रहा? पोटेंशियल ड्रॉप माइनस हो रहा, सेल के अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप माइनस हो रहा। तो कौन बड़ा हो गया यहाँ से ईएमएफ का वैल्यू ज़्यादा। डैट मीन्स ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट। इस लाइन को समझना। फर्दर मैं इसे क्लियर करने के लिए दो स्पेशल केस आपके सामने लेता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं स्पेशल केस का बात करूं और इसमें बोलो इन ओपन सर्किट, तो आपको पता होगा कि ओपन सर्किट का मतलब क्या होता। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओपन सर्किट मीन्स करंट डज नॉट फ्लो फ्रॉम द सेल। सपोज करो आपने अपने घर का स्विच, जिस रूम में बैठे हो ना, भी स्विच को ऑफ कर दो, स्विच को ऑफ कर दिए, फैन का स्विच ऑफ कर दिया, फैन चलना बंद हो गया, स्विच ऑफ किए सर्किट ओपन हो गया। ओपन सर्किट मीन्स करंट फ्लो नहीं करता, क्लोज सर्किट मीन्स करंट का फ्लो हो रहा, ठीक है। तो ओपन सर्किट में क्या होगा? मान लो ये सर्किट ओपन होता, ओपन सर्किट में आई इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ अगर करंट जीरो हो जाए, मैं इसको एक कोई इक्वेशन बना दूँ, मैं इसे लेकर के चल रहा हूँ, कोई इक्वेशन बना दूँ, ठीक है। तो क्या होगा? देखो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू जीरो, डैट मीन्स वी इज इक्वल टू ए। मतलब क्या? इन ओपन सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल। समझ में आया? डैट इज इन ओपन सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू द
ईएमएफ ऑफ अ सेल वो सेल के ईएमएफ का इक्वल है। ओपन सर्किट में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल का ईएमएफ का इक्वल है। आ रहा बात समझ में? क्लियर है। अब मैं क्लोज सर्किट की बात कर लूँ, ये क्लोजी सर्किट था जिसका डेरिवेशन मैंने लिया, ठीक है। देखो अगर बोलो इन क्लोज सर्किट, देखो क्लोज सर्किट से मैं इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला भी निकालता हूँ। कभी कभी बात आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला फाइंड करो, आर का वैल्यू निकालो, तो आप उस डायग्राम से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अब क्लोज सर्किट में, तो डैट मीन्स क्लोज सर्किट में वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो आई आर इज इक्वल टू क्या हुआ बाबू, आई आर इधर चला आया तो ई माइनस वी, तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ ई माइनस वी वाई आई, समझ रहे बात को, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी वाई आई, तो आर इज इक्वल टू ई माइनस वी वाई। अब आई का प्लेस में मैं ओम्स लॉ से अगर वी बाई आर को रख दूँ, आई का प्लेस में मैं रख दूँ वी बाई आर, तो आर इज इक्वल टू देखो ई बाई वी माइनस वी इंटू आर, ये चला गया इधर, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, अगर आप भी को डिवाइड कर दो तो R इज इक्वल टू ई बाई भी माइनस वी बाई भी वन हो गया और इंटू ये R हो गया। अब इससे भी कुछ स्पेशल केस है जो मैं बात करता हूँ, आप इसे पहले नोट करो, पूरा वीडियो पॉज करके। तो EMF बड़ा हुआ, तो जो अभी मैंने जो कंक्लूजन निकाला वहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि V लेस देन E, ठीक है, डैट इज इन अ क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट में क्या होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, वो ईएमएफ से क्या है तो ऑलवेज कम होता। आ रहा बस समझ में? देखो अब इस टॉपिक से अगर कुछ स्पेशल केस का बात करें हम लोग, एक तो स्पेशल केस हम लोग का दो अभी हो गया, तो अगर हम लोग बात करें अभी V वर्सेस R, अगर V वर्सेस R के बारे में हम लोग बात करते हैं, देखो ये क्या पॉइंट्स है वो मैं बताता हूँ, उसको समझना। अभी V इज इक्वल टू आई आर होता है, अब I का वैल्यू अगर क्लोज सर्किट के बारे में बात करें, जो क्लोज सर्किट में हम लोग निकाले थे, तो E बाई R प्लस R इंटू R हो गया ये। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डैट मीन्स अगर ये रजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब बहुत को लगता था ना कि सर रेजिस्टेंस तो हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, वो करंट के फ्लो का अपोज करता है, विरोध करता है, तो उसे फ़ायदा क्या हुआ, तो डैट मीन्स ये हुआ कि अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। तो भी और आर में ये बात हुआ कि भी और आर का ये बात हुआ, डैट मीन्स इफ आर इंक्रीजेज, अगर आर इंक्रीज कर रहा वी ऑल्सो इंक्रीजेज, तो V जो है वो भी बढ़ रहा, समझ में आ रहा बात। अगर R जीरो होता है तो V भी क्या होता है, देखो जीरो हो जाएगा, अगर ये R जीरो होगा तो V क्या होगा, जीरो होगा। अगर ऐसा हो जाए कि R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वल हो जाए, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सेल का, वो सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वल हो जाए, समझ में आ रहा बात। तो देखो क्या होगा, तो V क्या होगा, देखना बाबू यहाँ E बाई R प्लस आर, समझ गया बात को, E बाई आर प्लस आर इंटू आर हो गया, डैट मीन्स E बाई टू आर इंटू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि V जो है दिख रहा नीचे, आर आर कैंसिल हो गया, तो क्लियर समझ में आ रहा कि R अगर R के इक्वल हो तो V जो है वो E बाई टू हो जाएगा, ई एम एफ का आधा होगा। द सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वल हो जाए तो जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ का हाफ हो जाएगा, जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ का आधा हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? पोटेंशियल हाफ हो गया, पोटेंशियल ईएमएफ का आधा हो गया, तो आर आर का इक्वल हो गया, भी हो गया ई बाई टू का इक्वल हो गया, क्लियर है ना। अगर मान लो कि मैं बोल दूँ कि आर इन्फेनाइट हो जाए तो डेफिनेटली पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इन्फेनाइट होगा तो, क्योंकि वन बाई इन्फेनाइट क्या होता है, जीरो। आ रहा बात समझ में? अगर वो इन्फेनाइट होगा तो R इन्फेनाइट होगा तो V मतलब ये इन्फेनाइट होगा, इन्फेनाइट होगा तो ये इन्फेनाइट प्लस R ये E का इक्वल हो जाएगा, कैंसिल होकर के V E का इक्वल हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा, समझ में आ रहा बात। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
और इंटरनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में क्या क्या बात सामने आ रहा, समझ में आ रहा बात। अगर हम लोग ग्राफ खींच दे वी और आर का, मान लो वी और आर का हम लोग ग्राफ खींच दे, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जाना नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ बढ़ रहा, इंक्रीज कर रहा, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा। जैसे वी इज इक्वल टू आई आर में, मान लो वी और आर का ग्राफ हम लोग वी और आई का ग्राफ खींचते थे तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था वो नहीं होना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होना। किस तरीके का ग्राफ होगा, देखो ऐसा ग्राफ जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ अगर ये आर आर का इक्वल होगा, अगर ये आर आर का इक्वल हो गया तो उस समय यहाँ ई एम एफ आधा हो जाएगा, समझ में आ रहा बात। ये आर आर का इक्वल होगा तो ईएमएफ उसका हाफ हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरीके से अगर इन्फेनाइट होगा कहीं जाएगा तो ईएमएफ ईएमएफ का इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, आ रहा बात समझ में। तो ये बात हो गया, तो वी वर्सेस आर में इस तरह का हम लोग समझ सकते हैं। इसे देख लो फिर, एक वी इज इक्वल टू आई आर, आई का वैल्यू अभी सेल वाला से लिए ई बाई आर प्लस आर इंटू आर, आर इंक्रीज करेगा वी ऑल्सो इंक्रीज करेगा, आर जीरो होगा वी भी जीरो होगा, आर आर का इक्वल होगा तो वी ई बाई टू का इक्वल होगा, आर इन्फेनाइट होगा तो वी ई एम एफ का इक्वल होगा, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वल होगा। अरे बस मुझे ई और आर का क्या होगा सर, ई एम एफ और रेजिस्टेंस का क्या होगा। देखो ई एम एफ और रेजिस्टेंस, जो ई एम एफ होगा ना वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा फिर भी ईएमएफ तो है। अगर हम ई और आर का बात करें, ई वर्सेस आर का बात करें, तो देखो अगर ई और आर का बात करें ना तो वो इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन देंगे, क्योंकि उसका वो डिपेंड करेगा नहीं। ई इज इंडिपेंडेंट, ई इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑन आर, जो ईएमएफ होगा वो आर पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, समझ में आ रहा है बात। तो लिखिए इसे, नोट कीजिए इतना आप।